महापर्व प्रियुष्णों की मंगलमयी धर्म आराधना चल रही है और इस महापर्वों के अंदर अनेकों ऐसी ऐसी अंतकृत आत्माओं के वर्णन चलते हैं और सुबह प्रातः अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना होती है और दोपहर को कल्प सूत्र की वाचना होती है। आज महापर्व पर्युषण का पांचवा महापर्व पर्युषण है। आज कल्प सूत्र के आधार पर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। चाहे इसको जन्म कल्याणक कहें, चाहे महावीर जयंती कहें, चाहे महावीर जन्मोत्सव कहें, बात एक ही है। क्योंकि महापुरुषों के तीर्थंकर आत्माओं के एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच कल्याणक होते हैं और पहला कल्याणक गर्भ कल्याणक होता है, जबकि दूसरा जन्म कल्याणक होता है। हमारे वीतराग अरिहंत प्रभो सिद्ध आत्मा चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का आज पांचवे पर्व पर्युषण पर जन्म कल्याणक हम मना रहे हैं। महापुरुषों के जो कल्याणक होते हैं वो कल्याणकारी होते हैं, वो जीवों को शुद्ध बुद्ध देने वाले होते हैं, वो आत्मा का कल्याण करने वाले होते हैं और जब जब ये मौके आते हैं तो वहाँ पुरुषों के जन्मदिन पर या चवन कल्याणक पर या जन्म कल्याणक पर या संयम कल्याणक पर या मोक्ष कल्याणक पर जो देवलोक के देवता हैं वो भी आकर के खुशियाँ मनाते हैं। वो भी मानो इतनी महान खुशियों को मनाते हैं कि पूरा का पूरा वातावरण मधुमास की तरह हो जाता है। जन जन में खुशी की लहर आ जाती है, जन जन में उत्सव छा जाता है। तो आज हमारे वीतराग महावीर प्रभु का चरम तीर्थंकर का जन्म कल्याणक है और कल्प सूत्र के आधार पर जन्म जयंती मनाई जाती है। इसीलिए पांचवें दिन की कल्प सूत्र में जैसे जैसे परमात्मा महावीर का जन्म आता है वो पहले 27 भवों का वर्णन आता है और उसके बाद पांचवें पर्युषण पर आज के दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है। इसीलिए ये पांचवें दिन मनाया जाता है और कोई ऐसी विशेषता नहीं है कि कल्प सूत्र के आधार पर पांचवा दिन जन्म का आया इसलिए पांचवें दिन मनाया जाता है। तो ये कल्याणकारी दिवस तो जब जब जीवन में आते हैं तो एक महान सुंदर जागृति की प्रेरणा लेकर के आते हैं और जन जन को जगाने की प्रेरणा लेकर के आते हैं, जन जन का उद्धार करने की प्रेरणा लेकर के आते हैं। जो इन महोत्सवों को मनाते हैं वो यहाँ भी आगे भी आनंद की अनुभूति करते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं।